और प्रेम में कोई नियम भी नहीं होता है कि जंजीर ऐसी प्रेम की और तोड़े से ना टूटे। और ढाई अक्षर प्रेम के प्रेमी से ना टूटे, ढाई अक्षर प्रेम के प्रेमी से ना टूटे। दुश्मन करते प्रेमी की ग्वाली, ऐसी ही दर्दनाक बात तुमसे कह रहे मजबूर हो के प्रेम में कोई उत्तम होनी चाहिए। जंजीर ऐसी प्रेम की अरढ़ाई अक्षर प्रेम के प्रेमी से ना टूटे। अरढ़ाई अक्षर प्रेम के प्रेमी से ना टूटे। एक बात कही है उत्तम, तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगी। मेरी बात सुनो उत्तम। अरे चले गए जो छोड़ी तुम बिना नहीं जी पाऊंगी। अरे चले गए जो छोड़ी तुम बिना नहीं जी पाऊंगी। अरे अपना मेरी बात का तुम कभी कहता है। अरे प्रेम बुरी जंजीर पीरत मजूट मधी गढ़ के जैसी रथ में बैठाना है। यक्षों की नगरी से यक्षों ने आगे घेर लिया और घेरने के बाद उत्तम को जान से मार दिया। ध्रुव को खबर मिली है तो ब्रह्म अस्त्र उठाया और जैसे ही ब्रह्म अस्त्र उठाया है सामने ब्रह्मा जी आ गए। जवाब दिया है आगे बढ़ कर के ब्रह्मास्त्र उठाया। ब्रह्मा जी ने बोला लाला इसे न छोड़ो, तुम्हारे भाई ने गलत किया, उसको प्रणाम से मिला। अगर आप ऐसे करोगे तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा। 36,000 वर्ष तक राज्य किया है, राज्य करने के बाद अपने पुत्र उत्कल को राज्य दिया है। देखिए हर भाई बहन के दो पत्नियां होती हैं। आप लोग सोचोगे स्त्रियों के भी पत्नियां होती हैं, दो पत्नियां होती हैं, सुरुचि और सुनीति, बुद्धि कुबुद्धि। देखिए आत्मा दो होती है, चेतन उपचेतन। जब हमारी चेतना आत्मा साथ छोड़ देती है हम उपचेतना की बात मानते हैं। कल्याण
एक दिन आत्मा उपचेतना की बात मानता है तो हमें नीचा देखना पड़ता है, इसलिए हमें सुरुचि वो ही जो सुरुचि अपनी रुचि से काम करे, किसी की बात न माने। सुनीति वो ही सुमाने अच्छी नीति माने विचार। जिस बहन बेटी की नियत अच्छी है, सास ससुर की सेवा करती है, वो सुनीति है। उत्तान पाद किसे कहते हैं? उत्तान माने ऊपर, पाद माने पैर। जो मेहनत करके अपना कद ऊंचा कर लेता है उसे उत्तान पाद कहते हैं। बकबस श्रोता हो, 36,000 वर्ष तक राज्य किया है, राज करने के बाद अपने पुत्र उत्कल को राज दे करके चले जाते हैं। बोलिए भक्त वंशल भगवान की। आओ एक लाइन देखते हैं।